इस वीडियो में हम स्केचअप नाम के 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक घर का 3 आयामी मॉडल कैसे बनाया जाए इसके बारे में जानकारी लेंगे। यह एक विनामूल्य सॉफ्टवेयर है और आप इसे sketchup.com इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप किसी भी घर की एक 3 आयामी तस्वीर बना सकते हो, जिससे कि उस मॉडल के भीतर जाके भीतरी दृश्य कैसे दिखता है यह भी देखा जा सकता है। और साथ ही इसके अंदर आप वॉक थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर जो दरवाज़े होते हैं उन दरवाज़ों में से एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जाया जा सकता है और कमरे में रखी हुई चीज़ों को करीब से देखा भी जा सकता है। तो इस तरह यह बहुत ही उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। आप अपने घर का अगर मॉडल बनाना चाहते हो तो आपको पहले घर की लंबाई चौड़ाई के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आपके घर का फ्लोर प्लान है तो उस फ्लोर प्लान का उपयोग करें और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आदि की जानकारी अपने साथ रखें, जिससे आप गूगल स्केचअप में उसका फ्लोर प्लान बना सकते हो। यहाँ पर एक इस मकान का फ्लोर प्लान बना हुआ है, यह गूगल स्केचअप में ही बनाया गया है। फ्लोर प्लान बनाने के लिए गूगल स्केचअप के लाइन टूल का प्रयोग किया गया है। लाइन टूल से आप इस प्रकार से रेखाएं खींचकर अपना फ्लोर प्लान बना सकते हो। एक बार जब बाउंड्री लाइन खींची जाती है तो उसके सभी लाइनों को कंट्रोल और क्लिक का उपयोग करके सेलेक्ट करें और फिर ऑफसेट टूल का प्रयोग करें। ऑफसेट टूल से आप एक इंटरनल बाउंड्री या एक्सटर्नल बाउंड्री बना सकते हो, जिससे कि उन दोनों लाइनों के बीच में एक दीवार का निर्माण हो जाए। जब ऑफसेट टूल का प्रयोग आप कर चुके हो तो फिर अब आप पुश पुल टूल का प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए पहले दीवार को सेलेक्ट करें और पुश पुल टूल को सेलेक्ट करें, फिर दीवार की जगह पर जाकर माउस से एक बार क्लिक करें और क्लिक प्रेस रखते हुए उसे ऊपर की ओर खींचें। आपको एक निश्चित ऊंचाई तक जाना है, मान लेते हैं कि 10 फीट तक, तो कीबोर्ड पर 10 फीट टाइप करें, 10 और एपोस्ट्रॉफी, और फिर एंटर की दबाएं। इससे 10 फीट की दीवार बन जाएगी। तो दीवारें इस तरह से बनाई जा सकती हैं। एक बार आपका फ्लोर प्लान बन जाए तो इस तरह से दीवार को अपनी इच्छित ऊंचाई तक उठाएं। मकान की मुख्य दीवारें या फिर बाहरी जो बाउंड्री की दीवारें हैं उसे आप कम ऊंचाई तक रख सकते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग ऊंचाई की दीवारें आप बना सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दरवाज़े और खिड़कियाँ कैसे बनाई जाती हैं यह देखेंगे।